Assalamu alaikum. This is Sahil Hussain Bugyo, a broadcaster at 8360 Hyderabad and motivational speaker. I am working as here over a broadcaster at 8360 and doing BS Commerce in final year University of Sinjamshoro. Today we are here. हम जो है अभी हैदराबाद में आटोबान रोड पे महमूद गार्डन में एक इवेंट है, एजुकेशन टेस्टिंग सर्विस एंड एक्सपो. तो यहाँ पर हम 8360 के हवाले से प्रमोट कर रहे हैं इनके एक्सपोज को और इवेंट्स को. तो यहाँ पे हमारे 5000 जो है मैगज़ीन है वो शाया हो चुके हैं. आज हमारे साथ हैं इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी. तो हम बात करेंगे कि आप, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम जी. आप यहाँ पर जो है एजुकेशन एंड फाइनेंस टेक्नोलॉजी के हवाले से आपने ये एक्सपो लगवाया है, तो इस हवाले से आपका पर्पज़ क्या है यहाँ पर? सर, हमारा पर्पज़ है, हम बेसिकली हमने स्टॉल लगाया है. इसके अलावा हम एजुकेशनल टेस्टिंग सर्विस का मैं CEO हूँ. हमने पूरा अरेंज किया है टेस्टिंग सर्विस, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स. हमने इस पर्पज़ से टेस्ट अरेंज किया है कि जो भी स्टूडेंट्स हैं जो रियल टेस्ट देने जा रहे हैं उससे पहले खुद को एक बार सेल्फ एवेल्युएट कर लें, ताकि हमारी जो प्रिपरेशन है वो कहाँ तक पहुँची है. हम इसमें दो तीन चीज़ें नहीं लाए हैं. सेल्फ असेसमेंट टेस्ट तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम दो तीन चीज़ नहीं न्यू लाए हैं. न्यू उसमें क्या है, एक तो ये कि हम ऑनलाइन पोर्टल लाए हैं विद द हेल्प ऑफ सर मिस्टर पवन देव खत्री. इन्होंने हमें बहुत हेल्प आउट किया कि जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, ये IT से रिलेटेड हैं, तो हमें वेबसाइट भी डेवलपमेंट करवाई इन्होंने. और हमने क्या किया, इसमें यूज़र नेम पासवर्ड हर कैंडिडेट को, जो भी रजिस्टर्ड हो रहा था कैंडिडेट उसको हम यूज़र नेम और पासवर्ड दे रहे थे, और दो ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट भी दे रहे थे. तो इससे क्या फ़ायदा हो रहा था हमारी टेस्टिंग सर्विस में रजिस्टर करवाने से, स्टूडेंट एक टेस्ट के बजाय तीन टेस्ट दे पा रहा था, ठीक है, एक तो ये. दूसरा, कोई स्टूडेंट रिमोट एरियाज़ में है वो नहीं आ सकता, तो वो ऑनलाइन, आजकल ऑनलाइन एक्सेस सबके पास है, मोबाइल से भी, हमने ऐप भी रखी थी, वो डाउनलोड करके वो भी कर सकते थे. तो ये पर्पज़ था कि एजुकेशन को हम प्रमोट करें ज़्यादा से ज़्यादा. तो और इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी में मैं एज ए डायरेक्टर काम कर रहा हूँ अलॉन्ग विथ मिस्टर नरविंद कुमार, ही इज़ माई पार्टनर इन दैट बिजनेस. सो हम उसमें क्या कर रहे हैं, शॉर्ट कोर्सेज, डिफरेंट शॉर्ट IT रिलेटेड कोर्सेज, शॉर्ट जावा कोर्स, जावा लैंग्वेजेस के कोर्सेज वो हम करवा रहे हैं. अच्छा, ये एजुकेशन टेस्टिंग सर्विस में आपने आज एंट्री टेस्ट के हवाले से टेस्ट की है, तो इसमें कौन से, प्री इंजीनियरिंग या खाली प्री मेडिकल? सिर्फ प्री मेडिकल है. अच्छा, सर, इसमें प्री मेडिकल. तो आप अपने जो है कोर्सेज जो है वो कोर्सेज कौन कौन से कोर्सेज करवाते हैं, और स्टूडेंट्स की मतलब कौन कौन से स्टूडेंट्स होते हैं, कौन सा लेवल होता है उनका? सिर्फ अगर एक्सपो में, सिर्फ अगर ETS में देखें तो अभी हम सिर्फ प्री मेडिकल साइड आए हैं. अच्छा. सिर्फ प्री मेडिकल साइड इस साल आए हैं, हमारा ये फर्स्ट ईयर था, और माशाल्लाह हमने बहुत सारा क्राउड इकट्ठा कर लिया, और हमने दो तीन दिन पहले ही रजिस्ट्रेशन क्लोज़ कर ली. आज भी हमारे पास बहुत सी रजिस्ट्रेशन आ रही थी लेकिन हम नहीं ले रहे थे, क्योंकि हम क्वालिटी देना चाहते हैं. हम वो नहीं काम करना चाहते थे क्राउड कितना भी आ जाए, हमें अर्निंग करनी है, अर्निंग हो जाएगी लेकिन वो क्वालिटी हम नहीं दे पाते. तो हमने क्लोज़ कर दी थी रजिस्ट्रेशन इस वजह से, ताकि हम प्रॉपरली मैनेज कर पाएँ. और आपने देखा भी होगा, आपने ज्वाइन भी किया है, तो किस तरह से हमने मैनेज किया है. यहाँ पे हमारा क्राउड तकरीबन 1500 प्लस क्राउड दे रहा है टेस्ट, अभी भी टेस्ट हो रहा है, 2 बजे तक इंशाल्लाह वो ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे एक्सपो हमने लगाया हुआ है, सारा क्राउड यहाँ पे आना है. अच्छा, टेस्ट के हवाले से मैं बात करूँ तो टेस्ट के बाद आप जो पोजीशन हासिल करेंगे स्टूडेंट्स, उनके लिए कुछ अप्रिसिएशन होगी? बिल्कुल सर, हमने टॉप 10 स्टूडेंट्स के लिए रखा हुआ है. हम इसके टेस्ट के 15 डेज एक और इवेंट अरेंज करेंगे, जिसमें वो पार्टी थ्रो करेंगे और टॉप 10 स्टूडेंट को हम देंगे, और जो भी एक्सपो में भी हमारे पास जो आए हैं उनको भी हम इनवाइट करेंगे, वो भी आएंगे. अच्छा, स्कॉलरशिप्स के हवाले से आप क्या कहेंगे स्टूडेंट्स के लिए? स्टूडेंट के लिए स्कॉलरशिप, सर हमने यहाँ पे भी स्कॉलरशिप्स हमने IFT के उसमें रखी हुई हैं, डिफरेंट स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं. जो भी स्टूडेंट्स अब यहाँ आएंगे हम उसे गाइड करेंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा जो भी मैक्सिमम हमसे हो पाएगा वो स्कॉलरशिप हम प्रोवाइड. अच्छा, एक छोटा मैसेज एजुकेशन के हवाले से आपकी तरफ से, आजकल की यूथ के लिए आप? एजुकेशन इज द की ऑफ सक्सेस. की ऑफ सक्सेस. अच्छा, यूथ को कैसे एक्सप्लोर करना चाहिए अपने आप को? एजुकेशन तो सब हासिल कर रहे हैं, तो यूथ को अपने आप को कैसे एक्सप्लोर करना चाहिए? एजुकेशन आपने बिल्कुल सही कहा कि एजुकेशन तो हर कोई ले रहा है, लेकिन हमें अपने आप को ओवरऑल ग्रूम करना है. वी नीड टू पॉलिश अवर यूथ. हमारा जब कोई भी बच्चा स्कूल या यूनिवर्सिटी से बाहर निकलता है तो वो एक रॉ प्रोडक्ट होता है,
वही बचा जब किसी बड़ी यूनिवर्सिटी या किसी बड़ी सिटी से निकल रहे या मेट्रोपॉलिटन सिटी, बट ऑफकोर्स कराची से बंदा एक पास आउट होता है तो वो एक कंप्लीट प्रोडक्ट होता है। हम लोग यहाँ पे सिर्फ पढ़ा रहे हैं, हम ओनली फोकसिंग ऑन कि हमें पास होना है, हम नॉलेज की तरफ नहीं जा रहे, हम सिर्फ वो टॉपिक्स कवर करते हैं जो हमें पढ़ने चाहिए या जो हमारे पास पेपर में आएंगे। हमें इसको छोड़ के प्लीज़ गो फॉर द नॉलेज। अगर आप नॉलेज की तरफ जाएंगे, ट्रस्ट मी, सक्सेस विल कम आफ्टर यू। पर अगर आप सिर्फ पास होने की तरफ जाएंगे तो सिर्फ जॉब ही हासिल कर पाएंगे। जी, आप यूथ को क्या कहना चाहेंगी? मैं यूथ को ये कहना चाहूँगी कि बताओ सबसे, आप अपना इंट्रोडक्शन दें, नाम बताएं। माय नेम इज़ फिज़ा और मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में फाइनल ईयर मेरा, और मैं यूथ यूनिवर्सिटी सिंध यूनिवर्सिटी जाम शोरो। और मैं यूथ को ये यूथ के लिए यही है कि मैं मैसेज है कि मतलब अपने आप को मतलब ये कि कॉलेज एजुकेशन तो हम लेते हैं लेकिन उसी हिसाब से हम आपको इतना एबल बनाएं, इतना कैपेबल बनाएं कि मतलब कि ये जॉब के पीछे हम ना भागें। मतलब जैसे कि हम मतलब ज़्यादा लर्नर्स हो, हमें ज़्यादा नॉलेज सीखो ताकि हम दूसरों तक पहुँचा सकें। जी ऑडियंस, आप जो है यहाँ देख रहे हैं, हम आपके जो है इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस को इंशाल्लाह जो है वो प्रमोट करेंगे। और कीप वॉचिंग, कीप विथ अस, थैंक यू सो मच। थैंक यू।